सो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेस की ओर। आज का ये व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि IIT रुड़की का मेस का फूड कैसा होता है, यहाँ का मैं ब्रेकफास्ट कैसा होता है, लंच कैसा होता है और डिनर कैसा होता है। मैं तीनों फूड्स आपको दिखाने वाला हूँ और मेस से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए अभी मैं 2-4 दिन पहले ही IIT रुड़की आया हूँ। तो इससे पहले मैं बहुत से व्लॉग्स देखता रहता था कि IIT रुड़की का फूड कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, पर मुझे कोई अच्छा सा एक पूरी डिटेल बताने वाला कोई व्लॉग मिला नहीं। तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके वहाँ पर शूट करूँगा। तो फाइनली वो दिन आ गया है और मैं आ गया हूँ रुड़की मेस। ये फाइनली मैं इंटर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लगभग बॉयज़ हॉस्टल जो है 8 से 9 बॉयज़ हॉस्टल है। हर एक हॉस्टल का अपना एक अलग मेस है। तो अभी मैं अपने मेस आया हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं मेस में एंट्री करें। इससे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस है, बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर कभी जैसे मेस में ज़्यादा क्राउड है तो आप यहाँ पर बैठ के गेम वगैरह खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल टेनिस है, आपको कैरम बोर्ड मिल जाएगा, चेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड करें फिर आप अंदर एंट्री कर लें। तो ये है मेन मेस। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी है अराउंड 250 स्टूडेंट्स। एक साथ यहाँ पर 250 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूख भी काफ़ी लगी हुई है और खाने की स्मेल तो वाओ गजब की आ रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है। चलिए यहाँ से हमें थाली कलेक्ट करनी है, एक थाली उठानी है और फिर हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं फूड में आज क्या क्या मिलने वाला है हमें ब्रेकफास्ट में। वाओ ये है दलिया। देखिए दलिया इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, मतलब ये ना तो नमकीन है और ना तो मीठी है। इसमें आपको अलग से फ्लेवर ऐड करना होता है। फिर है सांभर और फिर है ये आलू की सूखी सब्जी, फिर है मिक्स्ड स्प्राउट्स एंड देन दिस इज़ कॉर्नफ्लेक्स। देखिए कॉर्नफ्लेक्स, मिक्स्ड स्प्राउट्स और आपको दलिया, ये डेली मिलता है। ओके ये क्या है, ये है नारियल की चटनी। वाओ इससे हमें पता चल रहा है, सांभर और नारियल की चटनी देख के पता चल रहा है कि आगे हमें मिलने वाला है डोसा वगैरह कुछ करके मिलने वाला है। चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं। यहाँ पे आपको दूध जो है रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और दूध में डालने के लिए यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हल्दी मिल जाएगा, बॉर्नविटा मिल जाएगा और चीनी मिल जाएगी। और दूसरा जो यहाँ पर विंडो है वहाँ पर आपको एग मिल जाएगा, बनाना मिल जाएगा और बटर मिल जाएगा। सो फाइनली हम लोग दूसरे काउंटर पर आ गए हैं। देखिए एक मेस के अंदर काफ़ी सारा बड़ा हॉल है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो 2 काउंटर्स लगाए जाते हैं। कुछ लोग उस काउंटर से कलेक्ट करते हैं खाना, कुछ लोग इस काउंटर से। हम लोग आगे आ गए। वाओ मसाला डोसा मिलने वाला है आज हमें। वाओ अब तो मुँह में एकदम तेज़ी से पानी आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने मसाला डोसा ले लिया। आगे है ये सैलड वगैरह है, इसमें प्याज है, टमाटर है और नींबू है। और हाँ ये अलग से देखिए 2 टाइप्स के यहाँ पे ब्रेड हैं, ब्राउन ब्रेड है और वाइट ब्रेड है। जो लोग डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, जिनको अभी वेट वगैरह लॉस करना है, वो अपना ब्राउन ब्रेड ले लें। जो नॉर्मली हैं उनको वाइट ब्रेड से वो काम चला लें। फिर से मैं आपको बस खाना में ब्रेकफास्ट में इतनी ही चीज़ें हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वापस से सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग एरिया यहाँ का। ओके सो ब्रेकफास्ट मैंने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे अपने लंच की ओर। लंच में हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं आपको एक बार थाली दिखाता हूँ कितनी सारी क्या क्या आइटम्स मिले हमें। ओके सो ये थाली आप देख सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आपकी हेल्थ के हिसाब से ही फूड आपको दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं 3 से 4 घंटे बाद, अभी 1:30 बजा हुआ है और हम लोग आ गए हैं लंच करने। फिर से हम लोग सेम मेस में आए हैं। एक ही मेस में आपको एंट्री करनी होती है, एक मेस में आप लोगों को एंट्री करवा देनी स्टार्टिंग में और फिर आपको उसी मेस में आना। एक्चुअली मैं अभी कोटले भवन में रहता हूँ पर मेरे भवन का मेस अभी क्लोज चल रहा है, एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी हम लोग दूसरे भवन के मेस में आते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है आज।
और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक आगे लिस्ट लगी हुई होती है वहाँ पर, जितना डेली खाना वेस्ट होता है उसकी यहाँ पर पूरी लिस्ट है, किस दिन कितने किलो खाना वेस्ट किया गया, किलो के हिसाब से वहाँ पे लिखा हुआ था लिस्ट पे। तो अभी पिछले दिन किसी दिन 22 किलो खाना वेस्ट हुआ, किसी दिन 20 केजी खाना वेस्ट हुआ, किसी दिन 15 केजी, ऐसा अराउंड वेस्ट होता है डेली यहाँ पर खाना। आई डोंट नो कि वेस्ट खाने को वो लोग क्या करते हैं, पर ये IIT है तो ऑब्वियस सी बात है उसे बर्बाद तो नहीं करते होंगे, कहीं पर इधर उधर दे देते होंगे बाहर। तो चलिए फिर से हम लोग देखने वाले हैं क्या मिलने वाला है। थाली यहाँ से वापस से सेम काम करना है, थाली कलेक्ट करनी है हमें यहाँ से और आगे बढ़ जाना है। खाना तो देख के यहाँ की भूख लग जाती है मुझे, इतना बढ़िया खाना होता है। क्या है, ओके, दो टाइप का राइस है, ये फ्राइड राइस है आई थिंक, या तो जीरा राइस और ये नॉर्मल राइस है। फिर हमें मिल जाता है सांभर और ये है ग्रेवी, ये दाल है एक्चुअली, दाल है। फिर हमें मिल जाती है आगे ग्रेवी और फिर ये आगे क्या है, ओके, ये है स्टफ्ड शिमला, स्टफ्ड शिमला और उसमें उसके ऊपर आपको ग्रेवी अलग से डाल के देंगे। यहाँ पर आपके चम्मच वगैरह रखे हुए हैं, फिर से आप वहाँ पर जाके कुछ आई डोंट नो वहाँ पे क्या है, वहाँ से कुछ चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सैलड, सैलड सुबह कुछ और था और लंच के टाइम कुछ और है। आगे बढ़ते हैं, मिर्च, नींबू और ये अचार वगैरह है और ये आई थिंक सांभर है, सांभर है या रसम है आई थिंक, हाँ यस रसम है। ये साउथ इंडियन फूड्स का भी बीच बीच में मिलता रहता है। सेम काउंटर फिर से है, आगे देखते हैं हम लोग क्या मिलने वाला है। ओके, आई थिंक हम लोगों ने सारी चीज़ें लंच की कवर कर ली हैं। तो एक्चुअली ये रियली खाना एकदम यमी होता है, एकदम ज़बरदस्त, काफ़ी सारा फूड में वेरिएशन होता है तो आपका जी नहीं भरेगा। और हाँ, लंच में हमें डेली एक फ्रूट भी एक्स्ट्रा मिलता है, कभी कभी आपको ऑरेंज मिलेगा जैसे कि आज ऑरेंज मिल रहा है, कभी बनाना मिलेगा, कभी एप्पल मिलेगा। यहाँ से रोटी कलेक्ट करनी है और आगे क्या मिलने वाला है, ओके, ये यहाँ से आपको दही मिलने वाला है। दही में कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, जैसा कि ग्रीन कलर का देखिए आपको दही दिख रहा है। तो फाइनली आई थिंक लंच मैंने सारा कवर कर लिया है, तो अब मिलते हैं हम लोग डिनर के टाइम। ये है मेरा दोस्त मोहित और ये हूँ मैं। ओके, तो चलिए चलते हैं डिनर की ओर। वाओ, अंधेरा हो गया है, अंधेरे का IIT रुड़की का जो इन्वायरमेंट होता है, इतनी सारी लाइट्स लगी होती हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है अंधेरे का। तो फाइनली हम लोगों ने मेस में एंट्री कर लिया है, देखते हैं हम लोग रात में क्या मिलने वाला है। जैसा कि आज संडे है, मैं संडे को व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो संडे को आई थिंक पनीर मिलता है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक पनीर मिलता है, जो भी मिलता है अभी आगे देखेंगे। और संडे संडे को जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एक अलग काउंटर लगाया जाता है, उस पर आपको क्या मिलता है, आई थिंक करी वगैरह करके कुछ मिलता है, एक करी तो यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलेगा आपको चिकन करी, यस चिकन करी आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको चिकन करी भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैं तो नहीं खाता पर जो लोग खाते हैं उनके लिए ठीक है, मैं उनको दिखा दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से हमें सेम काम रिपीट करना है, हमें थाली कलेक्ट करनी है। काफ़ी तेज़ भूख लग रखी है, देखते हैं क्या मिलने वाला है आज। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, लंबी लाइन का मतलब कुछ स्पेशल ही होगा। यस, जब पनीर मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है लंबी लाइन लगी जाती है। फिर से वापस से दो टाइप का चावल है आज, डिनर में भी दो टाइप का चावल है, एक नॉर्मल चावल है और एक है फ्राइड राइस या फिर जीरा राइस जो भी है। और ये है हमारी पंचमेल दाल है, 5 तरीके की दाल इसमें मिक्स की गई है। और फिर हमें मिल जाएगा ये है हमें पनीर, वाह देख के पानी आ रहा है। देखिए पनीर वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। और ये है पाइन एप्पल का हलवा, हलवा यहाँ कई तरीके का मिलता है, कभी आपको गाजर का हलवा मिलेगा, कभी पाइन एप्पल हलवा मिलेगा, मतलब ज़बरदस्त है। यहाँ से आपने रोटी कलेक्ट करनी है, फिर आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट काउंटर पर, हम लोग देखेंगे क्या मिलने वाला है, सैलड देखने वाला है, सैलड में क्या मिलने वाला है, शायद सैलड में फिर से कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। ओके, ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन और ये है लेमन एंड देन पिकल एंड देन ग्रीन चिली।
ओके, आप देखिए यहाँ पर दूसरा काउंटर नहीं है, दूसरा काउंटर उस साइड में इस बार लगाया गया है। डेफिनेटली इसका मतलब कुछ मीट वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मिलने वाला है। ओके, रोटी दाल वगैरह है यहाँ पे, चावल, एंड देन देखते हैं कि मीट वगैरह लोग कैसा बनाते हैं। चिकन करी मैंने तो कभी खाई नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, खुद ही गेस करिए कैसी है। पर आईटी रुड़की का है तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छा तो होगा ही। ओ वाह, कंसिस्टेंसी तो उसकी काफ़ी अच्छी है, एकदम पानी के जैसा तो है नहीं, दैट्स गुड। सो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक और अपने पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।